एक ही बीमारी के लिए एक ही दवाई दो अलग अलग लोगों को लिखेंगे तो उन पर अलग अलग असर आ सकता है। एक बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, एक बहुत देर में ठीक हो सकता है, एक में हो सकता है दवाई काम ही ना करे। सो इस तरह की चीजें यहाँ मेडिसिन में होगी। ह्यूमन बॉडी है बेटे, यहाँ पर कुछ जो रिजल्ट है वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है। यस, ज्यादातर साइंस ने एस्टेब्लिश किया है कि दवाई काम करनी चाहिए, लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्स सेम दवाई का सेम बीमारी के लिए ह्यूमन बींग्स में भी आ सकता है। सो दैट इज वाई यू ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन, थिंक ऑफ ऑल दी पॉसिबिलिटीज एंड यू विल बी अ वेरी वेरी गुड डॉक्टर वन डे। सो हमेशा सोचिए, दिस इज द लास्ट डे, दिस इज द लास्ट डे। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मेडिकल एंट्रेंस में फिजिक्स का टेस्ट क्यों लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है बेटे, क्योंकि आपको 12वीं के लेवल पर जो बायोलॉजी पढ़ाई जाती है वो फैक्चुअल है। आपसे वहां पर इस तरह की चीजें सोचने को नहीं कह रहे हैं, आपसे इस तरह की चीजें सोचने को नहीं कह रहे हैं बेटे बायोलॉजी में। आप जैसे ही एमबीबीएस में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे फीवर की मान लीजिए 500 कॉज है। सो अब देखिए, सोच के देखिए, एक एमसीक्यू जिसके 500 चॉइसेस हो गए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आप उस लेवल पर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका थिंकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं, वो किस सब्जेक्ट से देखें। सो वो बेसिकली किससे चेक किया जाता है? फिजिक्स से, कि आपकी लेटरल थिंकिंग कैसी है। किसी क्वेश्चन को केवल स्टीरियोटाइप, कई बच्चे मेरे से कहते हैं सर एनसीईआरटी का नहीं है क्वेश्चन, फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी का है, वो रियलाइज करते हैं क्योंकि एक्जैक्टली सेम लाइन नहीं लिखी है। सब सपोज करिए तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट आकर के आपको डेफिनेशन नहीं सुनाएगा कि उसको क्या हो गया है। जो आपको सुनने की आदत है वो अपने तरीके से बताएगा, वो अपने तरीके से बताएगा। मैं जब बेटे रूरल सेक्टर में पहली बार ओपीडी में गया, देखिए बड़ी फनी बात बताता हूँ आपको, तो जब मैं इंटर्न बना तो इंटर्न बहुत बेचारा होता है। इंटर्न कहने को डॉक्टर बन गया लेकिन पूरी तरह से भी डॉक्टर नहीं, उसे आता कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं आता। और उसकी पोस्टिंग लग गई ओपीडी में, रूरल सेक्टर में किसी जगह पर आप गए और वहां पर आपने ओपीडी अटेंड करनी शुरू की। तो जो पहला पेशेंट मेरे सामने आया उसने अपनी रिस्ट मेरे को हाथ में पकड़ा दी, मेरे हाथ में। सो मैंने उसकी रिस्ट पकड़ ली और मतलब ये था, मैं समझ गया था कि मेरे से ये कह रहा है कि पल्स देख लो। तो मैं पल्स देख रहा था उसकी, तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी बताइए दिक्कत क्या है? तो उन्होंने मेरे से छोड़ दे ये कहा, डॉक्टर तू है मैं तो तू बताएगा दिक्कत क्या है। जस्ट इमेजिन। सो ही थॉट कि यार मेरे यहाँ तो जो गांव में जब मैं जाता हूँ तो लोग पल्स देख करके क्या बता देते हैं, बीमारी कौन सी है, ये क्यों नहीं बता पा रहा इस तरह का डॉक्टर है। सो इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम। द पर्सन, अब आपको इससे निकालना है, नहीं तो आप ये थोड़ी कहेंगे ये कैसे कह दिया वो कैसे कह दिया, आपका काम है उससे बात करना। तो उसने हाथ दिया, उसने कहा कि देखो अब हमने पूछा प्रॉब्लम क्या, उसने कहा कि आप ही बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे बॉस देख रहे थे, मेरे बॉस ने कहा इसे मेरे पास भेज दे। तो मैं पेशेंट्स को बॉस के पास देखा, मैं भेजा, तो बॉस ने उसे पूछा कि क्या कॉन्स्टिपेशन रहता है, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम इन दी ओल्ड एज। और उन्होंने, क्योंकि ये मैं यूपी की बात कर रहा हूँ तो लोग रात को क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उन्होंने ये पूछा कि रात को कौन सी दाल खाई थी। इनएविटेबली उन्होंने बताया कि अरहर की या इसकी दाल खाई थी। और ज्यादातर लोग दाल से अपने सिम्टम्स को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। इमीडिएटली वो उसने उस पेशेंट ने मुझे मुड़ करके कहा, देखिए है डॉक्टर, तू अपने आपको डॉक्टर बता रहा है, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसने पूछ लिया। कहने का मतलब ये है इट इज नॉट। इमीडिएटली जो मेरे बॉस थे उनके और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना है, द पेशेंट वाज मोर फोर्थकमिंग। एंड दैट इज वाई बेटे वहां पर कई चीजें किताबों से देखने को नहीं मिलती जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे।